सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जब दिमाग कमजोर होता है परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है। जब दिमाग स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। अगर किसी को कुछ देना चाहते हो तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज़ वापस कर सकती हैं, लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त कभी नहीं। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में चाहे जितना भी ऊँचा उठें परंतु कठिनाइयों के दिनों को नहीं भूलना चाहिए। आज का पंचांग 24 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 8:30 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र सुबह 8:54 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:35 से 11:46 तक रहेगा। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:42 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 24 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार, आपके दिमाग किसी नुकसान के इर्द गिर्द घूम रहा है। अभी आप कुछ आध्यात्मिक उत्तरों की खोज कर रहे हैं। दूसरों से खासकर अपने साथी से अपनी चिंताओं को शेयर करें। घर से बाहर निकलने के लिए समय निकालें और अपने विचारों के साथ कहीं शांति से रहें। आज का दिन महीने के सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक है। लोगों के साथ अपने व्यवहार पर आज के दिन निर्भर करेगा। बिना डरे आगे बढ़ें। नाम धन प्रसिद्धि पर आपका नाम लिखा है। परिवार में सुख शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। घर के देखरेख तथा साज सज्जा संबंधित कार्यों में परिजनों के साथ मिलकर शॉपिंग में भी समय व्यतीत होगा। प्रोफेशनल स्टडी के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, इसीलिए एकाग्रचित होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जिन बातों के कारण मन में निराशा हो रही थी उन बातों की तरफ अधिक ध्यान देकर कठिन कार्य का सामना करने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी। अनेक प्रकार की भूतकाल से संबंधित बातों में आप अधिक जिस लक्ष्य की प्राप्ति आप करना चाहते उसके प्रति जो आपको नकारात्मकता महसूस होती है, इसलिए भूतकाल की बातों को पहले सुलझाएं, तभी भविष्य से संबंधित बातों को ठीक करना आसान होगा। अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा कार्य करने का जज्बा जारी रहेगा, फिर भी छोटी छोटी बातों के कारण आप अपना हौसला खो सकते हैं। लव रिलेशनशिप से संबंधित बातों में अधिक संयम रखने की जरूरत होगी। सावधानियां, आज अपरिचित लोगों संपर्कों को ना बढ़ाएं, न ही किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने परिवार पर होने दें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन आदि का प्रयोग न करें, किसी प्रकार की दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। बात करते हैं लव लाइफ की। अगर किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपने प्यार का इजहार करने में देरी ना करें। आज भाग्य आपके पक्ष में है, इसीलिए आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। घरेलू मामले आपको आसान कर सकते हैं, लेकिन आपका प्यार आपका पूरा साथ देगा, जिससे कोई भी समस्या पल भर में छूमंतर हो जाएगी। आज लोगों से मिलते समय थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि कोई खास आपको ठेस पहुंचा सकता है। किसी से बातचीत आपके दिल में प्यार के एहसास को जगा सकती है। अपने साथी के प्रति रवैये को सही रखें, इससे संबंध गहरा होता है। याद रखें, रिश्तों में समझौता जरूरी है, लेकिन एक दूसरे के प्रति भरोसा व सम्मान बेहद महत्वपूर्ण है। बात करते हैं करियर की। आज आप अपनी बेसिक कार्य और तकनीकों पर नजर रखेंगे ताकि अपने कार्य को आगे ले जाएं। अगर आगे शिक्षा पाना चाहते हैं तो उससे अभी तो उसमें अभी व्यवधान की संभावना है। जुए या सट्टेबाजी आपको आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन याद रखें धन कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं और आपको अभी कोई रोक नहीं सकता।
धन और प्रसिद्धि आपकी तरफ है, लेकिन दूसरों के प्रति आपके व्यवहार का बहुत प्रभाव पड़ेगा। मीटिंग्स और बातचीत के लिए आज का दिन अच्छा है। याद रखें, आपका रवैया दूसरों से आपके रिश्ते को मधुर भी करता है और बिगाड़ भी सकता है। बात करते हैं सेहत की। ज्यादा मेहनत और परिश्रम की वजह से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए आराम भी लेना अति आवश्यक है। पेट से संबंधित बीमारी तकलीफदायक भी होगी। आज का उपाय, आज आप गरीबों को चावल और खाने की चीजों का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।